नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप हैं बिहारी न्यूज के साथ। और अभी हम बात करेंगे कौन बनेगा सांसद में समस्तीपुर सीट की। समस्तीपुर से 2019 में कौन बनेगा सांसद। समस्तीपुर मिथिला का प्रवेश द्वार कहलाता है। यह दरभंगा प्रमंडल का एक जिला है। समस्तीपुर पूर्व मध्य रेल का मंडल है। कवि और दार्शनिक आरसी प्रसाद सिंह, पंडित सुरेंद्र झा सुमन जैसे विद्वानों की जन्मस्थली भी है। कुछ लोग इसका प्राचीन नाम सोमवती भी बताते हैं। यहाँ के दर्शनीय स्थलों में पहले यह लोकसभा क्षेत्र रोसड़ा सुरक्षित के नाम से जाना जाता था। लोजपा प्रमुख रामविलास पासवान यहाँ का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। बाद में उन्होंने यह सीट अपने छोटे भाई के लिए छोड़ दिया। लोजपा दलित सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामचंद्र पासवान वर्तमान में यहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और सांसद हैं। यह संसदीय क्षेत्र अनुसूचित जाति SC के लिए आरक्षित है। चुनाव आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ कुल मतदाताओं की संख्या 13,14,515 है। इनमें 7,09,515 पुरुष मतदाता और 6,04,683 महिला मतदाता है। LJP प्रमुख रामविलास पासवान के भाई रामचंद्र पासवान इस क्षेत्र से सांसद है। 2014 के चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर अशोक कुमार को पराजित कर पासवान सांसद बने थे। सन 1972 से पहले समस्तीपुर कोई अलग संसदीय क्षेत्र नहीं होता था। 1972 में दरभंगा से अलग होने के बाद समस्तीपुर जिला बना और इसी के साथ इसे संसदीय क्षेत्र घोषित किया गया। जिले के साथ खास बात यह है कि संसदीय क्षेत्र घोषित होते ही इसे बिहार के अति पिछड़े इलाके का दर्जा दिया गया। लिहाजा भारत सरकार इस क्षेत्र को बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड प्रोग्राम BRGFP के तहत उचित फंड जारी करती रही है। इस संसदीय क्षेत्र का बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर से खास नाता है। 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर कर्पूरी ठाकुर यहां से चुनाव जीते थे। इस चुनाव में पूरे देश में कांग्रेस के खिलाफ माहौल व्याप्त था विरोधी का, जिसका खामियाजा पार्टी को भी उठाना पड़ा और कांग्रेस यहां पहली बार हारी। समस्तीपुर संसदीय क्षेत्र में 6 विधानसभा सीटें हैं। इनके नाम है कुशेश्वर स्थान, बारिश नगर, हायघाट, समस्तीपुर, कल्याणपुर और रोसड़ा। कुशेश्वर स्थान, कल्याणपुर और रोसड़ा SC आरक्षित सीटें हैं। 2009 के चुनाव में JDU प्रत्याशी महेश्वर हजारी विजयी रहे। उन्होंने LJP उम्मीदवार रामचंद्र पासवान को हराया। हजारी को कुल 2,59,458 वोट मिले, जबकि पासवान को 1,55,082 वोट हासिल हुए। 2014 के लोकसभा चुनाव में समस्तीपुर से LJP के रामचंद्र पासवान जीते थे। उन्होंने 2,70,391 वोट मिले थे। उनके मुकाबले दूसरे स्थान पर रहे कांग्रेस के डॉक्टर अशोक कुमार को 2,63,529 और तीसरे स्थान पर रहे JDU के महेश्वर हजारी को 2,120 वोट मिले थे। पिछले चुनाव में पासवान काफी कम वोटों के अंतर से जीते थे। पासवान को जहां 31.33% वोट मिले थे, वहीं अशोक कुमार को 30.53% मिले थे। 2014 के चुनाव में एक दिलचस्प बात यह भी रही कि यहां वोटरों ने नोटा का बटन भरपूर दबाया। कुल 3.38% वोट के साथ कुल 29,211 नोटा में वोट दर्ज हुए। हालांकि समस्तीपुर के सीने पर एक गहरा घाव भी है, जो आज तक भी नहीं भरा है। 3 जनवरी 1975 को समस्तीपुर में तत्कालीन रेल मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता ललित नारायण मिश्रा की हत्या कर दी गई थी। वहीं इस बार NDA से फिर से अभी वर्तमान सांसद रामचंद्र पासवान मैदान में है। वहीं महागठबंधन से फिर से कांग्रेस के अशोक कुमार को मैदान में उतारा गया है। वहीं अन्य लोगों के बीच मुकाबला है। अब ये देखने वाली बात है कि 2019 में समस्तीपुर से संसद तक कौन जाता है।
अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे आगे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहाँ भी लाइक कीजिए। धन्यवाद।